टुडे वी विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन. ओके, डिवीजन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है आज हम वो देखेंगे. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज 20 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 4. इसमें 20 क्या है? डिविडेंड है, क्योंकि हमें इसे डिवाइड करना है, इसीलिए ये इसको हम क्या बोलेंगे? डिविडेंड. डिविडेंड मीन्स द नंबर दैट गेट्स डिवाइडेड, जो कि डिवाइड होगा. ओके, ये डिवाइडेड बाय का साइन है. ओके, एंड 5 इज डिवाइजर. ओके, डिवाइजर मतलब द नंबर विच डिवाइड द डिविडेंड, जो कि डिविडेंड को डिवाइड करता है वो होता है डिवाइजर. ओके, एंड 4 इज क्वोशेंट. क्वोशेंट द आंसर वी गेट इन डिविजन. डिविजन करने में हमें जो भी आंसर मिलता है हम उसे बोलते हैं क्वोशेंट. ओके, सेकेंड इज डिवाइडिंग बाय 1. ओके, 1 से हम कैसे डिवाइड करते हैं? एग्जाम्पल 8 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 8, बिकॉज हम सब जानते हैं 1 8 ज़ा 8 8 1 ज़ा 8. ओके, 1 में हम कोई भी नंबर का डिवाइड करेंगे तो हमेशा हमें वही नंबर मिलेगा आंसर में. रिमेंबर व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय 1, कोई भी नंबर को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे द क्वोशेंट इज द नंबर इटसेल्फ, तो हमें क्वोशेंट क्या मिलेगा? वो नंबर खुद मिलेगा. ओके, थर्ड इज डिवाइडिंग बाय इटसेल्फ, जब नंबर खुद से डिवाइड होता है. एग्जाम्पल 11 डिवाइडेड बाय 11, जब 11 को हम 11 से ही डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1 आएगा. ओके, व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय इटसेल्फ द क्वोशेंट इज 1. जब भी हम किसी भी नंबर को खुद उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्वोशेंट आता है 1. नेक्स्ट इज डिवाइडिंग 0. 0 से जब हम डिवाइड कर 0 को जब हम डिवाइड करते हैं, 0 डिवाइडेड बाय 5, 0 को हमें डिवाइडेड करना है 5 से, इक्वल्स टू 0, हमेशा 0 ही आंसर आएगा. व्हेन वी डिवाइड 0 बाय एनी नंबर, जब भी हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं द क्वोशेंट इज ऑलवेज 0, तो इसका क्वोशेंट हमेशा 0 आता है. ओके, नाउ वी विल सी द एक्सरसाइज 7. फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट 15 डिवाइडेड बाय 1. ओके, सो वी नो दैट व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय 1, सो द क्वोशेंट इज द नंबर इटसेल्फ. जब भी हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं 1 से, तो हमें आंसर में क्वोशेंट क्या मिलता है? ऑलवेज सेम नंबर. 0 डिवाइडेड बाय 9. ओके, सो व्हेन वी डिवाइड 0 बाय एनी नंबर, जब भी हम 0 को डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से तो हमें क्वोशेंट क्या मिलेगा? ऑलवेज 0. 16 डिवाइडेड बाय 16. व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय इटसेल्फ, जब भी हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें ऑलवेज क्वोशेंट क्या मिलेगा? 1. 64 डिवाइडेड बाय 1, सो द आंसर इज 64. 16 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू डिवाइडेड आंसर इज 16, क्वोशेंट इज 16. 24 डिवाइडेड बाय 1, सो द क्वोशेंट नंबर इज क्वोशेंट इज 24. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक, लॉन्ग डिवीजन. ओके, डिवीजन को लॉन्ग मेथड से हम कैसे करते हैं वो देखेंगे. आई हैव 30 बॉल्स. ओके, I want to put them equally in 5 boxes. इसके पास 5 balls हैं, ये sorry 30 balls हैं, 30 balls को इसको 5 boxes में equally रखना है. How many balls do I put in each box? तो हर एक box में कितनी balls रखेंगी? So let me teach you a new method, long division. ये लड़का बोल रहा है कि मैं तुमको सिखाता हूँ कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं थिंग्स को. ओके, सो लेट्स सी, डिवाइड 30 बाय 5. ओके, 30 को हमको डिवाइड करना है 5 से, वी राइट इट एज 30 डिवाइडेड बाय 5. ओके, अब इन लॉन्ग डिवीजन मेथड में एक फॉर्मूला होता है. पहले हमको ये साइन लगाना होगा,
इस साइन में यहाँ पर हमें लिखना होगा, लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे डिवाइजर। डिवाइजर मीन्स जिससे हमें डिवाइड करना है। यहाँ पर हमें किससे डिवाइड करना है, 5 से, तो हम 5 यहाँ लिखेंगे। डिविडेंड, डिविडेंड मतलब जिसे हम डिवाइड करना चाहते हैं, बिकॉज 30 हियर 30 को हम डिवाइड करना चाहते हैं, तो 30 इज डिविडेंड, तो हम यहाँ डिविडेंड लिखेंगे। और कोशेंट, जब हम 5 को इससे डिवाइड करेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसको हम कहाँ लिखेंगे, इस प्लेस पर लिखेंगे, कोशेंट पर लिखेंगे। ओके, फर्स्ट स्टेप, राइट द डिवाइजर एंड डिविडेंड इन द करेक्ट प्लेसेस। डिवाइजर हमने लिख लिया 5, ओके, और डिविडेंड क्या है, 30, तो 30 को हमें लिखना है यहाँ लाइन के नीचे। ओके, नाउ स्टेप 2, चेक द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 5। 5 का मल्टीप्लीकेशन टेबल हमें चेक करना है, तो कैसे करेंगे, 5 की टेबल में 30 कितनी टाइम्स आता है, 5 की टेबल में 30 आएगा 6 टाइम्स, तो 5 6 30, तो 6 को हमको लाइन के ऊपर लिखना है। ओके, 5 6 30 होता है, 5 × 6, 5 6 30, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 30 / 5 = 30। ओके, प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने देखा है ये मेथड। राइट द क्वेश्चन 6 इन द वंस प्लेस। क्वेश्चन को हमको लिखना है वंस प्लेस पर। थर्ड स्टेप में राइट द प्रोडक्ट ऑफ द डिवाइजर एंड द क्वेश्चन अंडर द डिविडेंड। ओके, ये है हमारा डिविडेंड। डिविडेंड के नीचे हम क्या लिखेंगे, जो हमारा डिवाइजर और कोशेंट का जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लाई है, उसको हम कहाँ लिखेंगे, डिविडेंड के जस्ट नीचे, वंस की प्लेस पे उसके नीचे लिखेंगे और टेंस की प्लेस पे एक दूसरे के नीचे लिखेंगे। ओके, ये वाला 30 हमारा कौन सा है, 5 6 30। ओके, इन दोनों को हमको क्या करना है, माइनस करना है। 0 में से 0 गया 0 एंड 3 में से 3 गया 0, हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है और आंसर हमारा 0 आना चाहिए। ओके, सो हम क्या बोल सकते हैं, 30 / 5 = 6। ये डिवीजन की लॉन्ग मेथड है। ओके, इसके एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वी विल सी नेक्स्ट एक्सरसाइज इन नेक्स्ट क्लास।